इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं अपना सेटअप टूर। कौन से कैमरे से वीडियो को शूट करता हूं, माइक कौन सा है मेरे पास, रिंग लाइट कौन सा है मेरे पास, ट्राइपॉड कौन सा है, वगैरह वगैरह आपको सब कुछ दिखाने वाला हूं। बट एक बहुत ही ज्यादा खास बात है हमारे इस पीसी में, ये देखो गाइस, हमारे इसमें F7 का बटन नहीं है और कंट्रोल का बटन हम ऐसे करके तोड़ देते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम आपको दिखा देते हैं अपना सेटअप टूर। ये वाला ट्राइपॉड मेरे पास है, हम इसको ऐसे 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 वैसे जैसे कहो आप, मतलब वैसे ही कर सकते हो जैसे आप करना चाहो। एंड यहाँ से देखो गाइस क्या निकल रहा है, मतलब इसको मैं ज्यादा हिलाता हूँ कुछ इस तरीके से। Digitech DTR 590 VD Pro ये वाला ट्राइपॉड है, ये मैंने 2400 का बाय किया था एंड काफी मजबूत ट्राइपॉड है और बहुत ऊपर तक चला जाता है। एंड अगर आप ये वाला ट्राइपॉड देखोगे, नाजुक सा है, ठीक है। एंड आपको बता दूं, ये चाइनीज है, मतलब बेंगुड कंपनी ने मेरे पास भेजा था ट्राइपॉड भी और ये भी। ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता, मतलब आपको 1200-1300 रुपये में मिल जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये वाला बाय कीजिए, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। एंड सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो गाइस, जुन्नू की टेक फॉर पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, बोया M1 माइक का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कॉलर माइक है। अगर आप कैमरे से वीडियो शूट करते हो तो कैमरे मोड पर लगाइए, अदरवाइज आप इसको स्मार्टफोन मोड पर लगा सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ से आगे चलते हैं, ये बाद में दिखाऊंगा। एंड अब ऊपर की साइड आ जाते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है 55-250 लेंस, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए बहुत मस्त है। मैंने ये वाला लेंस भी बाय किया था, इसको बोलते हैं 50mm लेंस, मतलब इतना तगड़ा वाला ब्लर करता है गाइस, क्या बताऊं। और ये वाला लेंस कैमरे के साथ आता है, इसको बोलते हैं 18-55 लेंस। एंड आप कैमरा देख सकते हो, ये है कैनन 200D, ये मैंने ऑफलाइन बाय किया था 50,000 का, ठीक है। 50,000 में मेरे को 18-55 लेंस मिला था एंड 55-250 लेंस मिला था। ये देखो गाइस, गोरिल्ला पॉड मैंने बाय किया था कि कैनन 200D इस पर लगाएंगे और सुकून के साथ व्लॉगिंग करेंगे, बट इसका क्वालिटी एकदम बेकार था, ये 600 का था। यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो मैंने इस वाले स्मार्टफोन से बनाया था, इसका मॉडल नंबर है वीवो Y55S। एंड ये वीडियो जिससे शूट हो रहा है, देखो मोबाइल में ध्यान से, इसका नाम है Vivo V17 एंड इसका बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है। तो स्टार्ट मैंने इस वाले से किया था, देखो इसके हालात क्या हो रहे हैं, बट हेल्प अभी भी करता है ये वाला फ़ोन मेरी। फिर मैंने ये वाला बाय किया था, ये है Redmi Note 6 Pro, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है गाइस, अभी भी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा, तो इसको भी वहीं पर रख देते हैं। ये है GoPro Hero 8, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, इतना धांसू वीडियो क्वालिटी आता है इससे आग एकदम। और हाँ गाइज, ये वाटरप्रूफ भी है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, अरे बाबा। तो चलिए इसको थोड़ा वॉश कर देते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो गाइज, कुछ इस तरीके से DSLR कैमरा यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से सेट हो गया। एंड यहाँ पे मैं 18-55 लेंस का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, उसके बाद ऑटो फोकस पे रखता हूँ एंड लेंस को भी ऑटो फोकस पे। ऑटो फोकस पे करने के बाद मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ, वो ऑटो फोकस हो जाता है, ठीक है। मैं चेयर पे जाकर बैठ जाता हूँ एंड रिंग लाइट देखो गाइस कितना मस्त फोकस लगता है एकदम। तो सिल्वर प्ले बटन भी यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है और उसके बाद वीडियो शूट। ध्यान से देखो गाइस किस तरीके से सेट होता है। और हाँ गाइज, इस रिंग लाइट में आपको 2-3 कलर मिलते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। एंड ये रिमोट दिया हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हो। तो चलिए अब हम कैमरे को करते हैं ऑफ और अब हम आपको यहाँ पर लेकर चलते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है वर्कआउट करने का सामान, 3 डंबल एंड एक रोड एंड प्लेट्स। तो चलिए थोड़ा सा वर्कआउट भी आपको दिखा देते हैं। तुम्हारा भाई रोजे से है तो इसलिए मैं ज्यादा वर्कआउट करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं वर्कआउट कर लेता हूं कभी कभी।
वीडियो को शूट करने के बाद हम कहीं पर भी स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पर भी लेट कर एडिट करना शुरू कर देते हैं। एंड मैं आपको बता देता हूँ, ये है Vivo V17, इससे मैं वीडियो को एडिट करता हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टिकटॉक बैन के बारे में। वीडियो को एडिट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ पावर डायरेक्टर। ये देखो, एक छोटा सा क्लिप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। एंड अगर आप पावर डायरेक्टर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप भाई की वेबसाइट पर जाओ एंड डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको पावर डायरेक्टर का मोड एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो कभी कभी तुम्हारा भाई वर्कआउट भी कर लेता है, बट अब तो मैं रेगुलर कर रहा हूं। अगर आपको वर्कआउट का भी एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप घर पे फुल बॉडी वर्कआउट कैसे कर सकते हो। अब कुछ पर्सन कमेंट करेंगे, भाई बिल्डर भी बना के मानोगे क्या? देखो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बॉडी बनाना भी। अगर आप मेरे को कहोगे तो मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बस कमेंट कर देना। और हाँ गाइस, अरमान जुनैद चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की। जैसे आप जुन्नू की टेक पर प्याल दिखाते हो, यहाँ पर भी दिखाओ।